दर्शकों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर आ रही कन्नौज से, जहां पर जलभराव की समस्या, लोग परेशान हैं। गोलकुआं स्थित मानपुर रोड पर पानी निकास की व्यवस्था न होने से बनी जलभराव की समस्या, स्थानीय लोगों समेत राहगीर परेशान। कन्नौज जिला मुख्यालय से चंद मीटर की दूरी पर गोलकुआं स्थित मानपुर रोड पर पानी निकास की समुचित व्यवस्था न होने से पिछले कई महीनों से नाली का गंदा पानी भरा हुआ है। ये रास्ता कई गांवों को शहरी क्षेत्र से जोड़ता है। ये रास्ता लोहिया पार्क को भी जोड़ता है। इस रास्ते से आए दिन लोगों का आना जाना बना रहता है। लोगों द्वारा कई बार जलभराव की समस्या को जिले के आला अधिकारियों के समक्ष प्रमुखता से उठाया गया, लेकिन इसके बाद भी जलभराव की समस्या को अनदेखा किया जा रहा है। पानी निकास न होने से आसपास के मकानों में रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही आने जाने वाले राहगीरों को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इस समस्या को जल्द समाधान के लिए अधिकारियों से मांग की है। कन्नौज से जलभराव की समस्या लगातार आ रही है। यहाँ से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता शिवम सैनी। हेलो जी, आप बताएं क्या मामला है वहाँ का। सर बताते चलते, आपको काफी दिनों से जल भराव की समस्या बनी हुई है। सर पहले सर जी आता था उसमें प्रधान में, अब जी आ रहा है नगर पालिका में, कोई ध्यान नहीं इस पे है। अच्छा, पहले ग्राम पंचायत में आता था, अब ये नगर पालिका में आ रहा है। जी जी हाँ, तो संबंधित वहाँ के अधिकारियों से बताया नहीं समस्या को। सर कई बार अवगत करा चुके हैं लोग, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार जो आपने मामला उठाया है, ये लोग यहाँ पर परेशान है, लोगों ने मामला उठाया है, इस बार अधिकारी वहाँ के क्या कह रहे हैं? अधिकारी कह रहे हैं ये देखी जाएगी। सर बता रहे हैं अभी कुछ दिन बाद, पहले भी दो लोग धरना दे चुके हैं डीएम के यहाँ पर। अच्छा, लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं, लोग अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वहाँ के संबंधित तो जो जिम्मेदार हैं उनके कान में जुआ नहीं रेंग रहा है। जी 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 बिल्कुल। ऐसा इस खबर को देखने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रभाव पड़ेगा और इसकी तरफ ध्यान देंगे, ताकि जनसमस्या से लोगों को निजात मिल सकेगी। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती रहे।